बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। विकास खंड रामपुर मथुरा में चार्ज संभालते ही अपनी कार्यशैली को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद यादव सुर्खियों में आ गए। बता दें कि ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद यादव अभी तक विकास खंड रेवसा में प्रभारी एडीओ पंचायत का कार्यभार संभाल रहे थे। इनका ट्रांसफर विकास खंड रामपुर मथुरा में हो गया। यहां आते ही सबसे पहले सभी ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी को व्हाट्सएप पर भी एक आदेश दे डाला। यही नहीं, इसका विरोध भी हुआ लेकिन कोई असर नहीं दिखा। विनोद यादव जब रेवसा में प्रभारी एडीओ पंचायत थे तब वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासक नियुक्त किए गए थे। उसी दौरान 21,95,220 रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसमें हाईकोर्ट लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ब्रह्मेंद्र प्रताप सिंह मौर्य ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसमें जिलाधिकारी के निर्देश पर 5 जनवरी 2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने त्रिस्तरीय समिति गठित कर जाँच कर आख्या प्रस्तुत किए जाने की बात कही थी, लेकिन उसकी जाँच ठंडे बस्ते में कैद हो गई। अब रामपुर मथुरा में जब से वह तैनात किए गए हैं तब से कहीं न कहीं अनावश्यक रूप से उनके द्वारा बेदखली की जा रही है। मंगलवार को जब ग्राम पंचायत छतौनी में कोटे का चुनाव होने के लिए बैठक बुलाई गई थी तब भी वह बिना बुलाए वहां पहुंच गए थे, जबकि छतौनी गांव उनके क्षेत्र में भी नहीं आता। ग्रामीण अकरम हुसैन, संजय सिंह, शुभम सिंह आदि का कहना है कि ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद यादव अनावश्यक रूप से कोटा चुनाव के दौरान आए थे। इनका यहां आने का क्या मकसद था या तो वही जाने। आई इंडिया के स्क्रीन पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद यादव मौके पर मौजूद दिख रहे हैं, जबकि कोटा चुनाव के लिए एडीओ आईएसवी को नोडल व ग्राम विकास अधिकारी रामस्वरूप को भेजा गया था, लेकिन वहां ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद यादव भी जा पहुंचे और किसी को बोलने भी नहीं दिया। बताया जाता है कि यह एक प्रत्याशी की मदद के लिए छतौनी गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव विनोद यादव के आने की वजह से ही कोटा का चुनाव संपन्न नहीं हो सका। बहरहाल ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद यादव के किसी दूसरी ग्राम पंचायत में जो उनके कार्य क्षेत्र में भी नहीं है वहां जाकर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मामले में बीडीओ रामपुर मथुरा संदीप कुमार ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि कोटे का चुनाव पब्लिक के बीच का है, ग्रामीणों को ही मतदान करना है। अगर किन्हीं कारणों से कोई दूसरी ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव पहुंच भी गया तो उसमें हस्तक्षेप क्या करेगा। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।